हाँ जी भैया, अब आपका मैं ले रहा हूँ गेट 2018। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट ये ट्रिपल ई वगैरह जो जिनका भी पेपर रहते हैं उनके लिए थोड़ा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा कंपैरिजन मैं दे देता हूँ। 2017 में जो एप्टी के क्वेश्चन थे उनका लेवल बहुत हाई था, ठीक है। और जो 18 में क्वेश्चन पूछे हैं कंपेरेटिवली क्या बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी टेक्निकली, ठीक है। सो दो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, सो कंपेरेटिवली बहुत इजी है। 2017 एप्टी, मुझे बाकी का नहीं पता। ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग ये जो मैकेनिकल के एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लेट मी रीड द क्वेश्चन। सो ये बोल रहा है इफ बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैं लिख ही देता हूँ। हाँ जी भैया, सो ये क्वेश्चन आपका, इफ बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो डिक्रीज करी आपने 10 मीटर से और आपने ब्रेथ उसकी डिक्रीज करी 5 मीटर से। जब आपने ऐसा किया देन वो जो शेप निकल के आया दैट बिकेम ए स्क्वायर, ठीक है। जो एरिया आपने लूज किया दैट इज दिस, ठीक है। द एरिया लॉस्ट इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। सो भैया मैं एक ओरिजिनल रेक्टेंगल मान लेता हूँ इस तरह से, ये मेरा ओरिजिनल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो कुछ मुझे एजम्पशन वो लेना पड़ेगा ना, नोटेशन वगैरह। तो मैंने इसको मान लिया एक्स, ये मैंने मान लिया वाई। सो ये मेरा ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है। नाउ मैं लेंथ को डिक्रीज करता हूँ भैया। सो मैंने लेंथ को डिक्रीज कर दिया बाय 10, ठीक है भैया। थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ भैया, ये 10 हो गया सपोज, ठीक है। एंड ब्रेथ मैंने डिक्रीज करी बाय 5। सो ये मेरा शेप आ गया। सो द न्यू शेप इज दिस, दिस इज द एरिया लॉस्ट, ठीक है भैया। नाउ अब उसने क्या बोला, दिस इज द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ये पूरा जो है ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, यानी कि आपको निकालना है एक्स इंटू वाई, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। यानी कि आपको एक तो एक्स चाहिए होगा और एक आपको वाई चाहिए होगा। सो यू नीड टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स यू नीड टू इक्वेशंस। सो दो इक्वेशन के लिए दो इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। सो दो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये भैया कितना डिक्रीज करा उसने फाइव। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि भैया जब आपने लेंथ को 10 से डिक्रीज किया, ब्रेथ को 5 से डिक्रीज किया, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है भैया। सो दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। द सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज दिस। सो पहली इन्फॉर्मेशन से क्या बनाना होगा मैं इक्वेशन। सो ये टोटल एक्स है, एक्स में से 10 निकल गया, यानी कि ये क्या होगा भैया आपका एक्स माइनस 10, ठीक है भैया। नाउ ये टोटल वाई है, वाई में से 5 निकल गया, दैट मीन्स दिस इज वाई माइनस 5। एंड सिंस दिस शेप इज अ स्क्वायर, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द साइड मस्ट बी इक्वल वाई माइनस 5। सो ये वाई उधर जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये 10 इधर जाएगा 10 माइनस। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। सो मैंने इसका यूज कर लिया। नाउ अब सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बनानी है मुझे कैसे भी बनानी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए वर्कआउट करते हैं भैया। सो द एरिया लॉस्ट इज 650 मीटर स्क्वायर। वॉट इज द एरिया लॉस्ट, एक तो एरिया ये लॉस हुआ आपका और एक ये रेक्टेंगल लॉस्ट हुआ, ठीक है। ये इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा आपका 10, 10 तो 10 हो गया, और ये होगा आपका वाई। सो 10 इंटू वाई इस सेक्शन का हो गया, प्लस इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये हुआ आपका 5, और ये आपका इतना हुआ एक्स माइनस 10। सो ये कितना होगा आपका 650 मीटर स्क्वायर। सो भैया 10 वाई, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ बटा 5 बटा 5 बटा 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 130, ठीक है भैया। ये माइनस 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 140। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भैया। नाउ यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप एक्स बराबर वाई प्लस 5, ठीक है भैया। सो 2 वाई प्लस 5 बराबर
140 दैट मीन्स 3y बराबर 135 दैट मीन्स y बराबर 45। सो y बराबर 45 आया, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका x बराबर 50, एंड 50 इंटू 45 दैट इज योर ओरिजिनल रेक्टेंगल एरिया, दैट मीन्स ये कितना आएगा आपका, एक जीरो हो गया, 5 5 25, 2 2 5 0। ठीक है भैया। नाउ अब सेकंड इक्वेशन और भी तरह से बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल या तो मैंने देख लिया कि एरिया लॉस्ट इज 650 मीटर स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग इक्वेशन बनेगा, टोटल में से मैंने लॉस्ट एरिया माइनस कर दिया, दैट मीन्स मेरा क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा भैया, या तो आप x माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख दें, या फिर आप y माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दें, चूंकि दोनों बराबर हैं, सो कोई भी आप ले सकते हैं। सो मैं x माइनस 10 का होल स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आप y को एलिमिनेट करेंगे, कहाँ किस तरह से, आप यहाँ से y को एलिमिनेट कर दीजिए, किस तरह से करेंगे भैया, बस तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और फिर से एक और इक्वेशन आएगी, ठीक है, वहाँ से भी आपका बिल्कुल सेम सॉल्यूशन आएगा। सो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है भैया। सो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, दो इक्वेशन, दो चीज़ें सी हैं, दो इक्वेशन बनानी होगी, दो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसने, ठीक है भैया। सो कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है ना भैया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, 7 machines take 7 minutes to make 7 toys, ठीक है भैया। देन 100 machines एट द सेम रेट, इसी रेट से अगर 100 machines काम करें 100 toys बनाने में, देन हाउ मच टाइम वुड दे टेक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन आपको देखना होगा, ठीक है। वो कैसे, उस तरह से कि भैया सपोज 10 मशीन जो हैं किसी काम को, सात, मैं सही हिसाब से बता देता हूँ, 7 मशीन है, ठीक है, 7 machines 7 toys बनाना है, इसको आप समझिए कि कुछ काम है, 7 मशीन किसी काम को 7 मिनट में कर रही है। अगर मशीन्स कम होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम, सबसे पहले आपको यहाँ से सोचना होगा। सो भैया मशीन्स कम होंगी देन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है भैया। सो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ज़्यादा टॉयज होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, तो टॉयज जितने ज्यादा होंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है भैया। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बच्चों की तरह से बताता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्टली शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है भैया। सो हाँ जी, थोड़ा रेड से लिख लेते हैं, ये आपका मशीन्स का सेक्शन हो गया, ये आपका टाइम का सेक्शन हो गया, और ये आपका टॉयज, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं भैया, यूनिटरी मेथड, जो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, ठीक है भैया। सो ये चीज़ आपको निकालनी है ना, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 7 मशीन्स हैं, 7 मिनट ले रही हैं टू मेक 7 टॉयज, मैंने कर दिया भैया 1 मशीन, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड अगर आप गलत लगाओगे तो आप क्या करोगे कि भैया 7 machines take 7 minutes and 7 toys, यानी कि 1 मशीन कितना लेगा भैया, 7 by 7 minute, बट ये गलत है क्योंकि मशीन एंड टाइम की इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है भैया। तो वन मशीन कम मशीन होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ टॉयज, बट टॉयज को उतना ही रख रहा हूँ, सो दे वुड टेक 7 into 7 not 7 by 7, ठीक है भैया। Now, अब कितनी मशीन्स उसने बोला है, 100, सो 100
मशीन्स, यस। सबसे पहले चलो मैं इसको इसको भी वन टॉय कर देता हूँ। अभी ये है 7 टॉयज, ठीक है, ये सेम रहा, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 टॉय, ठीक है। 1 मशीन 7 टॉयज 49 मिनट्स, 1 मशीन 1 टॉय कितना मिनट, कम टॉयज हो गए यानी कि कम मिनट लगेगा, तो 7 × 7/7, ठीक है भैया। नौ, अब भैया देखें किस तरह से करना है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं। 1 मशीन है तो इतना मिनट लग रहा है, 100 मशीन अगर एक ही टॉय को बनाने में लगे, ठीक है भैया, 100 मशीन्स ज्यादा हो गई तो कम टाइम लगेगा या ज्यादा, मशीन्स ज्यादा हो गई तो सेम काम अब कम टाइम में होगा, यानी कि 7 × 7/7, ये ओरिजिनल मिनट्स हैं, ठीक है भैया। 100 मशीन्स हो गई दैट मीन्स टाइम अब उतना ही फैक्टर से कम लगेगा, ठीक है भैया। सो 100 से आपने डिवाइड कर दिया, नॉट मल्टीप्लाई। नाउ 100 मशीन्स टेक दिस मच मिनट टू मेक 1 टॉय। अब ज़्यादा टॉयज बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सो भैया 1 के लिए इतना टाइम है तो 100 के लिए कितना होगा, ठीक है भैया, 7। तो 7 इज योर आंसर, ठीक है भैया। नाउ अब थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं। हाँ जी भैया, तो भैया 7 मशीन्स टेक 7 मिनट्स 7 टॉयज, 7 मशीन्स 7 मिनट 7 टॉयज, ठीक है भैया। 7 से 1 कर दिया, ज़्यादा मशीन कम टाइम लेंगी, कम मशीन्स ज़्यादा टाइम लेंगी। दैट मीन्स अगर मैं 7/7 यानी कि 1 मशीन लेता हूँ, देन दे वुड टेक मोर मिनट्स, दैट मीन्स 7 × 7। सो ये आ गया आपका 1 मशीन का, कितनी मशीन्स के लिए देखना है, 100 के लिए। सो 100 मशीन्स ज़्यादा हो गई, कम टाइम लगेगा, दैट मीन्स यहाँ 100 लिख दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है भैया। नाउ अब टॉयज के हिसाब से बात करते हैं भैया, 7 टॉयज, ठीक है। इतने टॉयज के लिए इतना टाइम लग रहा है, दैट मीन्स 7/7, 1 टॉय के लिए कम, टॉयज के लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1 टॉय, कितने टॉयज के लिए देखना है, 100 के लिए, दैट मीन्स ज़्यादा टॉयज के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 100, 7 मिनट्स, ठीक है भैया। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नाउ भी आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, अरे ठीक नहीं चल रहा। सो उसने कहा ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है भैया। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है भैया। नाउ ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब इज ऑड इफ, ठीक है भैया। फर्स्ट ऑप्शन इज ए एंड बी मस्ट बी ऑड, बी ऑप्शन इज ए एंड बी होना चाहिए दोनों इवन, सी ऑप्शन इज ए इवन बी ऑड, एंड डी ऑप्शन इज ए ऑड बी इवन, ठीक है भैया। सो चारों पॉसिबिलिटी जो भी हैं वो उसने दे दी, ठीक है भैया। नाउ सो ये हमें देखना है, ये उसने दिया है कंडीशन, ये ऑड है। सो जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आप सोचिए एक बार। सबसे पहली चीज है कि भैया कोई इवन नंबर है, ध्यान रखना इवन फंक्शन नहीं, इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स की बात करेंगे। कोई इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन होगा, और कोई ऑड है उसका स्क्वायर भी भैया आपका क्या होगा, ऑड होगा। सेकंड चीज, कोई ऑड नंबर है उसकी मल्टीप्लाई मैं इवन नंबर में कर दूंगा, देन आंसर हमेशा इवन में आएगा, ठीक है भैया। सो सेकंड थिंग इज दिस। नाउ थर्ड थिंग इज, क्या बताना था, 1 + something टू बी इवन तो ये क्या होना चाहिए, ऑड, ठीक है भैया। ऑड में 1 ऐड करोगे तो वो इवन की तरफ बढ़ जाएगा ना, सो ये चीज़ है ना। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, ये आपका ऑड है, दैट मीन्स अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 1 +
इंटू बी स्क्वायर, दैट मस्ट बी ऑड. ठीक है, नाउ ये इंटू दिस, ए इंटू दिस मस्ट बी ऑड, दैट मीन्स दिस मस्ट बी ऑड, क्योंकि अगर एक भी इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा. सो दिस अलोन मस्ट बी ऑड एंड दिस टोटल एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑड. दिस टोटल एक्सप्रेशन, ऑड में से वन को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए. ये इवन होगा तभी तो ये ऑड होगा टोटल. सो भैया ए इंटू बी स्क्वायर, ए तो भैया आपका हो गया ऑड, फिक्स हो गया. ठीक है, बट ए इंटू बी स्क्वायर मस्ट बी इवन. ठीक है भैया, ए क्या है आपका, ए इज ऑड. ठीक है भैया, नाउ अब आती है बात बी स्क्वायर की, कैसे होगा. ऑड की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करेंगे तभी इवन आ सकता है. सो बी स्क्वायर मस्ट बी इवन, दैट मीन्स बी स्क्वायर इवन, दैट मीन्स बी मस्ट बी इवन नंबर. सो ए मस्ट बी ऑड एंड बी मस्ट बी इवन नंबर, दैट इज द आंसर. ठीक है भैया, नाउ भैया अब कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका. नाउ मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन हो गए. ठीक है भैया, सो ही सेइंग दैट अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स. तो मैं पहले डिजिट को एक्स मान लेता हूँ, दूसरी को वाई मान लेता हूँ. ठीक है भैया, द सम ऑफ द डिजिट इज 9, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज 9. ठीक है भैया, इस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको किस तरह से लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 72 आपके पास एक नंबर है, या 22 ले लो भैया. 22 को आप किस तरह से लिखोगे, 2 इंटू 10, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि ये यूनिट कौन सा प्लेस हो गया आपका, 10 की पावर 0. सो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 2 22, इस तरह से आप लिखोगे. तो इस नंबर के हिसाब से आप सोचिए कि ये टेंस प्लेस पे है, दैट मीन्स 10 इंटू एक्स प्लस वाई ये आपका एक्चुअली में नंबर होगा. ठीक है भैया, ये मैं सोच 7 2 लिखा है तो ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं 7 into 2 लिखा है. ठीक है, ये 7 इंट, ये x into y नहीं लिखा, ये x y लिखा है, x अलग है y अलग है. ठीक है भैया, सो ये इसका नंबर का मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली. नाउ ही सेइंग दैट इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड. ठीक है भैया, सो एक नंबर है भैया आपका एक्स वाई, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 45, देन आपका एक न्यू नंबर आएगा, दैट इज वाई एक्स, डिजिट इंटरचेंज. ठीक है भैया, इसका मान कितना होगा आपका, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 45 बराबर वाई एक्स, को कैसे लिखेंगे, ये 10 प्लेस पे है तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स. ठीक है भैया, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 9x, प्लस वाई माइनस 10y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9y. ठीक है भैया, बराबर 45. सो एक्स माइनस वाई बराबर 5, दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल होगा, एक्स प्लस एक्स 2x आएगा, 9 प्लस 5 14 आएगा, दैट मीन्स x बराबर 7. x 7 हुआ तो ये कितना होना चाहिए, 2. सो x इज 7, y इज 2, सो द नंबर इज 72. ठीक है भैया, सो भैया ये क्वेश्चन इसने दो नंबर में दिया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, दो नंबर में क्वेश्चन ही वाला, चलो दिया तो अच्छी बात है. ठीक है, सो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑड और इवन वाले बहुत पूछता है वो. ठीक है, सो बेसिकली जो भी पूछता है वो फार्मूला बेस नहीं पूछते गेट वाले. ठीक है, गेट वाले एप्टीट्यूड में फार्मूला बेस कभी नहीं पूछते. ठीक है, हो सकता है कि फार्मूला बेस एक आधी बार पूछ ले, वरना नॉर्मली नहीं पूछते वो. ठीक है, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है एप्टीट्यूड क्वेश्चन में. पिछले साल के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप को लेवल का कंपैरिजन अपने आप दिख जाएगा. ठीक है, और ये क्वेश्चन दो नंबर का था, इससे पहला जो ऑड इवन वाला था वो भी दो नंबर का था, उससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने करे हैं वो आपके एक एक नंबर के थे. ठीक है,
इसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ठीक है ना, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सो वो मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो ये आपके अभी चार क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश वाले मैं नहीं करवा रहा हूँ, इंग्लिश वाले में एक प्रिंसिपल और एक ये प्रिंसिपल होता है और एक ये आपका PAL वाला होता है, ये तो भैया स्कूल कॉलेज वाला हो गया, ठीक है, और ये आपका वो हो गया जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप देखते हो, किसी मशीन, कोई मशीन किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है भैया। सो उस तरह से दोनों चीज़ों का यूज़ किया हुआ था एक ही सेंटेंस में, ठीक है। और एक और इंग्लिश का क्वेश्चन था 1 मार्क का, ठीक है, वो थोड़ा हो सकता है कि जिसको पता हो वही कर सके, क्योंकि एक वर्ड था शायद फ्रूजलिटी, ऐसा करिए फ्रूजलिटी, ठीक है। सो ये वर्ड हो सकता है किसी को पता हो ना पता हो। और क्या था वर्ड, क्या था, कुछ अजीब सा वर्ड था एक और, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप ना कर पाए, बट ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाला ये क्वेश्चन इजी था। सो बेसिकली अभी तक के तो ये क्वेश्चन इजी थे सब, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा अभी 2 मार्क्स का जो मैं करवाऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन बचते हैं, दो में से अभी मैं आपको जो, दो में से एक क्वेश्चन है वो काफ़ी टिपिकल है, ठीक है ना, टिपिकल क्यों है, बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, अभी करवाता हूँ उसे।